हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के क्लास में मैं आप लोग के लिए करेंट्स अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, मैं करेंट्स अफेयर का वीडियो अब रेगुलर अपलोड करता रहूँगा और जनवरी से लेकर जुलाई तक जितना भी इंपॉर्टेंट करेंट्स अफेयर है उन सारा को मैं कवर कर दूँगा। और गाइज, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। और गाइज, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए गाइज, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि मेरठ में नरेंद्र मोदी जी ने ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा है, तो आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो वो हॉकी से थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता था? तो इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए आप लोग। जो अंडर 19 विश्व कप हुआ था 2021 में, उसमें भारत ने किसको फाइनल में हराकर विजेता घोषित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि श्रीलंका को हराकर भारत विजेता घोषित हुआ था 2021 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए आप लोग। जो 2021 था उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें दिया गया है हिंदी भाषा के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जयप्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया है 2021 में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और गाइस, अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य पुरस्कार कितने भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग, 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और जयप्रकाश सिन्हा जी किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते थे? हिंदी भाषा के लिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, और अगर आपको पता है तो इसका बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल उच्च न्यायालय पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में टोटल कितने हाईकोर्ट हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, टोटल 25 हाईकोर्ट है भारत में, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो ये भी आप लोग अच्छे से कीजिएगा। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया है LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और गाइस, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, तो रेबीज मुक्त राज्य अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा गोवा। गोवा जो है वो पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। और अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा गोवा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, जो लोसर महोत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है?
इसका बताने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि लद्दाख में लोसर महोत्सव मनाया जाता है। लोसर क्या है? लोसर एक फेस्टिवल होता है, ठीक है, एक त्यौहार है जो लद्दाख में मनाया जाता है। किस खुशी में? नया वर्ष के खुशी में मनाया जाता है लोसर, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो इसका बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं इंपॉर्टेंट ही करेंट्स अफेयर कराऊंगा आप लोग के लिए। ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बस मैं उसे आप लोग को कराऊंगा, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग अच्छे से इसे याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि टाटा ट्रेड अप्रेंटिस का फॉर्म कब आएगा, तो आप लोग का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि टाटा ट्रेड अप्रेंटिस का फॉर्म जो है वो अगस्त का फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्टअप कर लीजिए और अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से कीजिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्म निकलने के बाद आप लोग के पास टाइम जो होता है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। तो ऐसा कीजिए कि आप अभी सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और लास्ट में सिर्फ आप लोग रिवीजन करिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को वीडियो देता रहूँगा रेगुलर, बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 26 दिसंबर को मोदी जी ने अनाउंस किया है कि वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आप लोग बताया कि मैं सारा आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम में आने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, वही सब क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। तो इसका बताने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो 2022 का एशिया हॉकी कप का विजेता कौन है? तो इसका विजेता है जापान, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और किसके किसके बीच में फाइनल खेला गया था? तो जापान वर्सेस दक्षिण कोरिया के बीच खेला गया था, तो विजेता कोरिया था और विजेता जापान था, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा? 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राज्य में नियुक्त किया गया है लवलीना को डीएसपी के रूप में? तो ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि असम राज्य में डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है लवलीना को, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ये कौन सा खेल खेलती थी? और ये बॉक्सिंग खेलती थी, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये कौन सा पदक जीती थी? कांस्य पदक, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? कोपल टाई क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माता क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, खिलौना निर्माता क्लस्टर जो है वो कौन सा राज्य में स्थित है, ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यानी कि गाइस इसमें आपको बताना है कि महाराष्ट्र जो राज्य है उसके नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये पता है तो आप पहले खुद से इसको करने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि बीएस राजू जो होगा इसका सही आंसर होगा। ये क्या है? थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं, ये हैं बीएस राजू, ठीक है, देख लीजिए, फिगर भी दे देता है आपके एग्ज़ाम में और पूछेगा ये कौन है, ठीक है।
तो आप फिगर को भी ध्यान से देखिएगा। और गई, अगर आपसे पूछा जाए कि थल सेना का स्थापना कब हुआ था, तो थल सेना का स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल को हुआ था, ठीक है गाइस, 1 अप्रैल 1895 को हुआ था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि थल सेना का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो थल सेना का अध्यक्ष जो होंगे वो कौन है, मनोज पांडे, ठीक है। मनोज पांडे जी जो हैं वो थल सेना के अध्यक्ष हैं, और BS राजू जो है वो क्या है, थल सेना के उपाध्यक्ष, ठीक है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है गाइस। जितना मैंने बताया सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इन सारे को भी अच्छे से याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, रणजी ट्रॉफी 2022 के खिताब किसने जीता, ठीक है। जो रणजी ट्रॉफी होता है उसका जो 2022 का खिताब है वो किस राज्य ने जीता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश ने 2022 का खिताब जीता है रणजी ट्रॉफी का, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर गाइस आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश ने फाइनल में किसे हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा मुंबई, ठीक है गाइस। मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसे बताने का कोशिश कीजिए, उसके बाद आप हमारे आंसर से अपने आंसर को वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो चलिएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि दिनकर गुप्ता जी जो है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक बने हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये हैं दिनकर गुप्ता जी, तो इनका फोटो भी आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है गाइस। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है। क्या बनाया जाएगा, डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा भारत का पहला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि लद्दाख, ठीक है। पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा, तो लद्दाख में बनाया जाएगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने, इनका नाम बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि गुस्तावो पेट्रो जी जो है वो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोलंबिया का राजधानी कहाँ है, तो कोलंबिया का राजधानी जो होगा वो क्या होगा, बोगोटा, ठीक है, बोगोटा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे मुद्रा पूछा जाए, यानी कि करेंसी पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा, मुद्रा जो होगा क्या होगा, पेसो, ठीक है। कोलंबिया का राजधानी क्या हो गया, बोगोटा, और उसका मुद्रा क्या हो गया, पेसो, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है, गुस्ताको पेट्रो का यहाँ पे फिगर बना हुआ है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, प्रतिष्ठित टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 किसने जीता है, ठीक है। एक पुरस्कार होता है कौन सा, टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 का किताब किसने जीता है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, फ्रैंक बिल्जेक, ठीक है। फ्रैंक बिल्जेक ने टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 का किताब जीता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि टेम्पलेटन होता क्या है, तो देखिएगा टेम्पलेटन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, टेम्पलेटन पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिसका कार्य विज्ञान और अध्यात्मय से जुड़ा होता है। इस पुरस्कार के तहत $1.5 मिलियन की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। तो किस लिए दिया जाता है,
विज्ञान और अध्यात्म से जो जुड़े रहते हैं उनको दिया जाता है, और कितना राशि दिया जाता है, 1.5 मिलियन डॉलर दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है गाइस, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ठीक है, क्या बताना है, नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, इनका नाम बताना है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजीव कुमार जो है वो नए चुनाव आयुक्त हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, और ये है इनका फ़ोटो, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दे देता है आपको, किसी का फ़ोटो दे सकता है और बोलेगा कि आप इनका नाम बताइए। ठीक है, पिछला बार विश्वनाथन आनंद का फ़ोटो दिया गया था और बोला गया था कि आप इनका नाम बताइए। ठीक है, तो इस बार भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप इन सारे चीज़ों को भी अच्छे से ध्यान में रखिए। और गाइस जो राजीव कुमार बने हैं वो 25वें चुनाव आयुक्त बने हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, कितने, 25वें चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। रोड्रिगो चॉप्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कौन, रोड्रिगो चॉप्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोस्टा रिका। ठीक है, कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए कोस्टा रिका के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्या है, कोस्टा रिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ है, सान जोस। कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ है, सान जोस, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कोस्टा रिका का करेंसी क्या है, तो कोस्टा रिका का करेंसी क्या है, कोस्टा रिकन कोलोन। ठीक है, कोस्टा रिकन कोलोन इसका करेंसी है। कोस्टा रिका रिका के राष्ट्रपति रोडिन जोस। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आई होप आपको इन ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। ठीक है गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, उनका नाम बताना आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या है ऑप्शन सी, यून सुक येयोल। ठीक है, यून सुक येयोल, तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए दक्षिण कोरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, क्या है, दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल एम है। ठीक है, सियोलम है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है, तो दक्षिण कोरिया बॉन। ठीक है, बॉन है इसका करेंसी। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है, किम बू क्यूम। ठीक है, किम ब्यू किम्यून दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री है, तो आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति कौन है, अभी मैंने बताया, यून सुक येयोल, तो आप लोग याद रखिएगा। आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे से ही कंटिन्यू करूँगा।